दोस्तों, अगर आप लोगों के पास में भी पड़े हुए हैं इंदिरा गांधी वाले 5 रुपए के ये वाले सिक्के और आप इन्हें बेचना चाहते हैं और आपको नहीं पता है आपके सिक्के की सही कीमत क्या है, तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता चल जाएगा आपके सिक्के की आपको क्या कीमत मिलने वाली है और आप अपना सिक्का कहाँ बेच सकते हैं और कितनी कीमत मिलेगी, सब कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइस, ये इंदिरा गांधी का 5 रुपए का सिक्का इंदिरा गांधी की मृत्यु को 1 साल हो गया था तब जारी किया गया था, और ये भारत के 2 मिनटों में 5 रुपए के इन सिक्कों को जारी किया गया था मुंबई और हैदराबाद की मिंट से। गाइज, अगर सिक्का बेचना है तो मिंट मार्क को ध्यान सबसे पहले देना है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा आपका कौन सी मिंट का सिक्का है तो आपको रेयरिटी के बारे में तो वैसे भी नहीं पता होगा। तो सबसे पहले आपको जानना है मिंट मार्क के बारे में। मुंबई का होता है डायमंड का मिंट मार्क और हैदराबाद का होता है स्टार का मिंट मार्क, मतलब 2 ही मिनट में इस सिक्के को जारी किया गया था। कीमती सिक्कों की बात करने से पहले कॉमन सिक्के के बारे में जान लेना हमेशा ही जरूरी होता है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस सिक्के के आकृति के बारे में। तो बीच में अगर देखते हैं रिवर्स भाग में, तो बीच में इंदिरा गांधी जी का फोटो बना हुआ है और नीचे उनका जीवन काल लिखा हुआ है 1970 से 1984, और उसके नीचे डायमंड का मिंट मार्क है, मुंबई का मिंट और मार्क। एक साइड में देखते हैं तो इंदिरा गांधी हिंदी में अंकित है और दूसरी साइड में इंदिरा गांधी इंग्लिश में इस अंकित सिक्के है। में और लिखी हुई ईयर इस सिक्के का मिंट ईयर नहीं है, क्योंकि इस सिक्के का मिंट ईयर है 1985, और ये जो 1970 से 1984 लिखा हुआ है यह है इंदिरा गांधी का जीवन काल, और 1984 में इंदिरा गांधी का मतलब अंत हो जाता है, और 1985 में 1 साल के बाद में इन सिक्कों को जारी किया जाता है। ये सिक्के मैंने आपको बताया था 2 मिनट में जारी किया जाता है मुंबई और हैदराबाद, जिनमें रेयर सिक्का आता है वो आता है मुंबई और हैदराबाद, दोनों ही मिनटों के सिक्के रेयर आते हैं। लेकिन कौन सी कंडीशन में रेयर हैं वो आपको इन सिक्कों की एज को देखने के बाद में पता चलता है। ये सिक्के 2 एज में देखने को मिलते हैं, रेडिड एज और सिक्योरिटी एज। आपके पास पड़े हुए सिक्कों में आपको एज वैरायटी पे खास ध्यान देना है, तभी आपको अपना रेयर सिक्का मिलेगा। कितनी कीमत है उसके बारे में बात करने से पहले हम लोग जान लेते हैं उसके ओवर भाग के बारे में। तो ओवर भाग तो देखते हैं तो बीच में अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते और नीचे डिनोमिनेशन 5, और एक साइड भारत रुपये हिंदी में, दूसरी साइड इंडिया रुपीज इंग्लिश में, और उसके बाहर में एक रिम बना हुआ है जिसको दांती बोलते हैं, डॉट 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 का एक रिम देखने को मिलता है। कॉपर निकल मेटल में इन सिक्कों को जारी किया जाता है, और इन सिक्कों का वजन होता है 12.5 ग्राम, 12.6 ग्राम, और डायमीटर की साइज होती है 31.1 mm, थिकनेस होता है 2.3 mm। एज वेराइटी रेडिड और सिक्योरिटी दोनों में देखने को मिलते हैं। गाई जी, सिक्के मुंबई की मिंट से जारी किए गए थे 5 करोड़ 92 लाख, मतलब काफी ज्यादा मात्रा में इन सिक्कों को जारी किया गया है। और अगर बात करें मुंबई मिंट के सिक्कों की कीमत की, तो आपको दिला सकता है 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक UNC कंडीशन में, ये डिपेंड करता है आपके सिक्के की कंडीशन पे। गाइज, एक कॉमन सिक्का आपको इससे ज्यादा कीमत नहीं दिला सकता है, चाहे उसमें डायमंड का मिंट मार्क हो या फिर स्टार का मिंट मार्क हो। अगर आपका सिक्का होता है रेडिड एज में, तो आपको उस सिक्के की कीमत मिलेगी 2,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए के बीच में। आपको देखना है अपने सिक्के के अंदर रेडिड एज, ये एज वैरायटी आपको दोनों ही मिंटों में देखने को मिल जाएगी। मुंबई मिंट के सिक्के में भी आपको रेडिड एज देखने को मिल सकती है, और हैदराबाद मिंट के सिक्के में भी आपको रेडिड एज देखने को मिलती है। रेडिड एज का मतलब होता है जो ऐसे दांती दांती पड़ी हुई होती है अपने सिक्के के अंदर एज में देखते हैं तो, या फिर सिक्योरिटी एज का होता है जिसके अंदर बीच में दोनों साइड दांती देखने को मिलती है, बीच में एक खड्डा होता है और उसके अंदर कुछ ऐसे क्रॉस 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 ऊपर की साइड में वो सिक्योरिटी एज, और फर्स्ट में है वो है रेडिड एज। इसके अलावा अगर आपके पास कोई पड़ा हुआ इंदिरा गांधी का पुराने सिक्के हैं उनके अंदर ऐसा कोई सिक्का मिल जाता है जिसके अंदर कुछ एरर देखने को मिलता है, जिसमें जो डाई है वो शिफ्ट हो जाती है या फिर कुछ और एरर देखने को मिल जाता है, तो वो सिक्का रेयर माना जाता है। उस सिक्के की कीमत भी आपको 4-5 हज़ार रुपये तक मिल सकती है, क्योंकि ये वाले सिक्के हैं इनके अंदर एरर कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी इन सिक्कों में कुछ एरर देखने को मिल जाता है। तो आपके पास कोई इंदिरा गांधी का एरर सिक्का है तो वो कीमती होगा। बाकी एक कॉमन सिक्का विदाउट रेडिड एज का, सिक्योरिटी एज का जो सिक्का है, वो सभी सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, और उन सिक्कों की कीमत होती है 50 रुपये से लेकर 200 रुपये के आसपास। तो दोस्तों, आज की वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
और अगर आप लोगों के पास में पड़े हुए इंदिरा गांधी के पुराने सिक्के जिनकी कंडीशन अच्छी खासी हो, तो वो सिक्के आप मेरे को सेल कर सकते हैं नंदू डॉट RJ23 इंस्टाग्राम पे अपना सिक्का सेल कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको कीमत पहले ही बता दी है। और जो रेडी डेज का जो सिक्का होता है एरर सिक्का, वो सिक्का अगर आप लोगों के पास में होता है तो उसकी कीमत अलग है, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।